तो आज हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि ये वेब ब्राउज़र क्या होता है। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं। देखिए, वेब ब्राउज़र भी सॉफ्टवेयर की एक टाइप है जिनको हम काउंट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, और ये हमें क्या काम करने में मदद करते हैं, हेल्प टू लोड और डिस्प्ले वेब कंटेंट्स या वेबसाइट्स, जो हमें वेबसाइट्स या वेब कंटेंट दिखाने में हेल्प कर रहे होते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जो एग्जिस्ट अच्छा, वेबसाइट क्या होती है। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट के बारे में ये है कि ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि मौजूद होता है दूसरे कंप्यूटर्स के ऊपर, और वो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के ज़रिए। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, मतलब इस पर दुनिया के सारे लोग अपने अपने कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब ज़रा एक आगे चलते हैं। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क, अगर इंसानों की बात की जाए तो काफ़ी सारे लोग जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और जुड़ने के बाद वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, शेयर्स करते हैं, उसे हम कहते हैं ह्यूमन नेटवर्क। और इसी तरीके से अगर बहुत सारी मशीन्स को, जैसे कंप्यूटर्स को, सेल फोन्स को, स्मार्टफोन को आपस में जोड़ दिया जाए और उनके ज़रिए वही डेटा, वही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाए, शेयर की जाए, तो उसे भी नेटवर्क कहते हैं। तो इंसानों का नेटवर्क होगा उसे ह्यूमन नेटवर्क कहेंगे, जो मशीनों का नेटवर्क होगा उसे इंटरनेट कहेंगे, क्योंकि इसमें इंसान डायरेक्टली नहीं जुड़ रहे, मशीन्स के जरिए जुड़ रहे हैं। तो आपने अक्सर अपने मोबाइल में और कंप्यूटर में ये दो ब्राउज़र्स देखे होंगे, गूगल कंपनी का है क्रोम, ये तो लाजमी देखा होगा। अच्छा, किस किस के पास स्मार्टफोन है यूज़ करते हैं? आपके पास भी है। तो उसमें आपने ये देखा होगा, यही स्मार्टफोन में भी होता है और ये हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी इंस्टॉल होता है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एज भी वेब ब्राउज़र का नाम है, ये भी हमारे विंडोज़ में होता है जबकि एंड्रॉयड में नहीं होता, यानी कि स्मार्टफोन में नहीं होता। ये गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज, इनको हम कहते हैं वेब ब्राउज़र्स। क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र्स। अब इन वेब ब्राउज़र का काम तो आप समझ ही गए कि क्या काम है, इंटरनेट से वेबसाइट्स को ढूंढ कर आपको दिखाना, कंटेंट्स वगैरह को। अब यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं, सपोज टू बी कि मैं अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कैसे जोड़ सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ, तो यह वाईफाई का ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, जिस पर आप क्लिक करके यहाँ पर जितने भी SSID नज़र आ रहे होंगे, जो वाईफाई सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनमें से किसी भी एक को सिलेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं। इवन दो कि आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट खोल के भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वाईफाई नहीं लगा हुआ तो कोई मसला नहीं है, मोबाइल का हॉटस्पॉट खोलें और अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर को उसके ज़रिए इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने पर आपसे पासवर्ड पूछेगा, सही पासवर्ड डालने पर लिखा हुआ आ जाएगा कनेक्टेड और यहाँ पर डिस्कनेक्ट लिखा हुआ आ रहा होगा, इसका मतलब अब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ चुका है। इज़ दैट क्लियर? ओके, अब चलते हैं आगे कि भाई ये वेब ब्राउज़र कैसे वेबसाइट्स को ओपन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं इस सॉफ्टवेयर पे जिसका नाम है गूगल क्रोम, और यहाँ से इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो ये इस तरह से हमें दिखाएगा। व्हाट आर दीज? देखिए, ये हैं प्रोफाइल्स, आईडीज। प्रोफाइल या आईडी किस तरह से क्रिएट होती है और क्यों क्रिएट की जाती है? देखिए, इसकी एग्जांपल हम यूँ लेंगे कि जैसे स्कूल है और स्कूल में एंट्रेंस आपका जब हो सकता है, जब आपके पास स्कूल का आईडी कार्ड होगा। वो आईडी कार्ड आपको स्कूल में एंट्री करवाने में हेल्प करता है और आगे जितनी भी प्रोग्रेस आपकी जनरेट होती है उसी आईडी कार्ड के ऊपर ही जनरेट हो रही होती है। इसी तरह एक किसी ऑफिस में, बैंक में या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी आप उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक आपका एम्प्लॉय कार्ड या आईडी आपके पास ना हो। यस, अब इंटरनेट को भी एक्सेस करने के लिए अब ज़रूरी है कि आप किसी न किसी आईडी से लॉगिन हो। आईडी ईमेल हो सकता है। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक ऐसा आइडेंटिटी जिसको आपको, जो आपको चाहिए होती है
इंटरनेट पर कम्युनिकेशंस करने के लिए। जैसे मोबाइल फ़ोन पे कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए कबीर? लकी, मोबाइल फ़ोन्स पर कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हाँ जी फराज, हाँ आप बताएं, यही चाहिए होता है, आप बताएं। प्रियल, मोबाइल फ़ोन्स पर कम्युनिकेशंस करने के लिए आपको एक सिम चाहिए होती है, जिसको आप सिम कार्ड कहते हैं, ठीक है। अगर वो सिम कार्ड नहीं होगा तो आपका आईडी क्रिएट ही नहीं होगा, और जब आईडी क्रिएट मतलब वो सिम कार्ड आपका आईडी है, जिसको भी कॉल करेंगे उसी के ज़रिए कॉल जाएगी और इंटरनेट पे वही सर्विस आपको अपना डेटा शो कर रही होगी। मेरा क्वेश्चन देखें ना, मेरा क्वेश्चन था मोबाइल फ़ोन पर कम्युनिकेशन करने के लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। मैंने स्मार्टफोन का नाम नहीं लिया था, एक मोबाइल फ़ोन जस्ट फॉर कॉल के लिए यूज़ हो सकता है, मैसेजेस के लिए यूज़ हो सकता है, वो विदाउट सिम कार्ड तो वो यूज़ ही नहीं होगा ना। मैं आपसे कहता हूँ स्मार्टफोन पर कम्युनिकेशन करने का डिफरेंस है, मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन में डिफरेंस है। स्मार्टफोन एक अलग चीज़ है, मोबाइल फ़ोन एक अलग चीज़ है। मोबाइल फ़ोन का एक फ़ीचर स्मार्टफोन में ऐड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना एक आईडी क्रिएट करना होगा, प्रोफाइल। अब किस वेबसाइट पर किया जाएगा वो, तो उसके लिए वेबसाइट है gmail.com। लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है कि आप 18 साल के होने चाहिए, और 18 साल के होने के साथ साथ आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन और उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए। अगर आप 18 साल के, हाँ फिर मोबाइल नंबर तो फिर भी चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो फिर आप पेरेंट के नाम पे बनाएंगे कि भाई मेरे फादर का ईमेल आईडी ये है और मुझे परमिशन है, वो आपको अलाउ करेंगे और उनका मोबाइल नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि फराज मोबाइल है आपके पास? हाँ ओके, है ना, ठीक ओके। तो है तो यूँ करेंगे ना, है यूँ नहीं तो अब हम आपकी एक आईडी इस पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम पहले क्लिक करते हैं ऐड पर, और मैं कहता हूँ कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट, कि मेरा अभी कोई अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद हम सिंपली यहाँ लिख देते हैं स्ट्रेंजर, लिख देते हैं इस प्रोफाइल का नाम और इसको डन कर देते हैं। यहाँ से खोलते हैं, ये हमारा ब्राउज़र आपके सामने खुल चुका है। ये इसका टाइटल बार है, ये इसका बॉडी एरिया है, ये इसका एड्रेस बार है, ये इसका टैब है। एड्रेस बार में उस वेबसाइट का एड्रेस लिखना है gmail.com, ठीक है। और यहाँ पर जाके आपने सबसे पहले कहना है क्रिएट एन अकाउंट। हाँ मोबाइल में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मोबाइल में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर ऐप होती है। क्रोम पर जाके आप इस तरह से करेंगे क्रिएट एन अकाउंट फॉर माई पर्सनल यूज़, क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो हमें अकाउंट जो क्रिएट करना है वो करना है फराज, पूरा नाम क्या है? फराज अहमद। तो फर्स्ट नेम में लिखेंगे अहमद, लास्ट नेम में लिखते हैं फराज। ये अंग्रेज़ उल्टा लिखते हैं, आप सीधा भी लिख सकते हैं, फिर ये अहमद फराज बना देंगे इसको, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे फराज की। तो क्या इन्फॉर्मेशन है आपका, मंथ कौन सा है? जनवरी। डेट? फोर, ठीक है। ईयर? 10 2008। जेंडर चूज करेंगे, मेल या फीमेल जो भी रखना है, और क्या करेंगे? नेक्स्ट। अब ये कह रहा है चूज योर यूज़र नेम, यूज़र नेम मस्ट बी यूनिक, जिसके ज़रिए आप अपनी आईडी को एक्सेस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा फराज अहमद खासखली, इज़ दैट करेक्ट? चेक करते हैं क्या ये पहले बना हुआ है। जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो कह रहा है ये यूज़र पहले से बना हुआ है, आपके लिए ये अवेलेबल है, फराज अहमद खासखली 30। तो 30 को हटा के आपका बर्थ ईयर कौन सा है? 2008 कर देते हैं, ठीक है। या हम इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, फराज अहमद 2008 कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, कह रहा है ये भी पहले से किसी ने बना रखा है। तो हम ये करते हैं 0 ऐड कर लेते हैं,
ये भी पहले से बना हुआ है, फराज़ अहमद खास खिली 2008। हाँ नेक्स्ट करते हैं, ये किसी का नहीं बना हुआ। अब कह रहा है चूज़ योर पासवर्ड। पासवर्ड में एक लेटर कैपिटल होगा, नंबर भी होना चाहिए, सिंबल भी होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड कैसा होना चाहिए, यानी कि एक लेटर कैपिटल हो, बाकी स्मॉल हो, कोई एक नंबर हो, और प्लस माइनस में से कोई सिंबल या एट द रेट में से कोई सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसका पासवर्ड रख लेते हैं, ए कैपिटल अहमद फराज़, अहमद फराज़ 1 2 3 प्लस, और कम से कम भी 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, इससे कम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दोबारा देखें, ए कैपिटल अहमद, ई के साथ लिखा है अहमद मैंने, फराज 1 2 3 प्लस, देखते हैं एक्सेप्ट होता है। तो देखें पहले ही अटेम्प्ट में हमारा पासवर्ड एक्सेप्ट हो गया, तो मैं अभी इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, ये भूलना नहीं है पासवर्ड। ओके फ़ोन नंबर, चलें बताएं फ़ोन नंबर क्या है आपका। टू नाइन, ओके। जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब ये आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, देखिए आया होगा आपके पास वेरिफिकेशन कोड। आए बताइए, जी के साथ आया होगा, हाँ बताए, टू नाइन थ्री फाइव ज़ीरो सेवन, 293507 सही है। नेक्स्ट कर देते हैं, ये देखें एक्सेप्ट हो गया। एड रिकवरी ईमेल, अब ये कह रहा है कि अगर आपका पहले कोई ओल्ड ईमेल बना हुआ है तो उसको आप इसमें डाल सकते हैं, ताकि इन केस कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाएं तो उस ईमेल के ज़रिए पासवर्ड को रिकवर कर सकें, ठीक है। तो फ़िलहाल हम कह रहे हैं बना हुआ कोई ईमेल, हाँ बताइए, ठीक है स्किप कर देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं नेक्स्ट, और इसको यहाँ से कर देते हैं एग्री, और ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। सही, और ये हम अपने इनबॉक्स में दाखिल हो गए, जैसे आप अपने मोबाइल में जीमेल की ऐप पे क्लिक करते हैं तो ये खुल जाता है ना, इनबॉक्स यानी कि जो भी आपको ईमेल करेगा यहाँ नज़र आएगी, और जब आपको ईमेल करनी होगी तो आप कहाँ क्लिक करेंगे, कंपोज, जिसको ईमेल करनी है उसका ईमेल एड्रेस आपके पास पूरा होना चाहिए। जैसे अगर आप मुझे ईमेल भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ मेरा पूरा ईमेल लिखेंगे, और एट द रेट शिफ्ट के साथ 2 का बटन दबा के gmail.com, इसको हम कहते हैं कंप्लीट ईमेल एड्रेस, जिसमें ईमेल आईडी एट द रेट के साथ वेबसाइट का नाम भी एसोसिएट होता है। हेलो सब्जेक्ट लाइन लिख देते हैं, दिस इज़ फराज, हेलो सर दिस इज़ माई न्यू अकाउंट, और क्या करेंगे इसको सेंड, ये आपने ईमेल सेंड कर दी। सेंड करने के बाद आप सेंड बॉक्स में भी देख सकते हैं जाके, आपकी ईमेल नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है, और इनबॉक्स में आपको जो ईमेल करेगा वो यहाँ नज़र आएगी, और अभी आपके पास कोई ईमेल नहीं आई है। ओके अब इसको अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं, मतलब अभी अगर ये खुला रहेगा और फराज चले गए तो कोई भी इसके ईमेल्स वगैरह को एक्सेस कर सकेगा, यहाँ क्लिक करेंगे, देखें यहाँ नीचे आएंगे कहीं पे लिखा होगा साइन आउट, अब ये ईमेल अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, किसी दूसरे का नहीं खुलेगा, ठीक है।
आप क्लोज कर देते हैं ब्राउज़र को यहाँ से। अब देखते हैं कि जब हम ब्राउज़र खोलेंगे तो हम अपना वो वाला अकाउंट जो भी बनाया है यहाँ प्रोफाइल पर कैसे ऐड करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे ऐड पर, क्या करेंगे, पहले तो हमने क्या कर दिया था, कंटिन्यू विदाउट अकाउंट, क्योंकि अकाउंट नहीं था। अब है तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपना ईमेल लिखेंगे, सही, फराज अहमद खासकली एट द रेट अहमद खासकली 2008, ये आईडी है। और अगर इसके साथ मैं ऐट द रेट लगा के gmail.com लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, पूरा ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट, ये हमसे पूछेगा बताएं आपका पासवर्ड क्या है, अहमद फराज, ए कैपिटल अहमद फराज 1 2 3 प्लस। नेक्स्ट करेंगे, ये बन गया, ये रहा है टर्न ऑन सिक यस आई एम इन। और यहाँ पे आपने इसको एक कलर चूज कर लेना है जो भी, और यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है, डन। जैसे ही डन करेंगे अब आप ब्राउज़र को बंद कर दें, और जब भी क्रोम खोलेंगे तो आपका ये पूरा प्रोफाइल यहाँ पे सेटअप हुआ हुआ होगा। ठीक है, अब क्या फ़ायदा होगा, अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्राउज़र दोबारा खुल जाएगा। अब जो ब्राउज़र खुला है और जो पहले हमने विदाउट एन अकाउंट खोला था, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में ये फ़र्क है कि अब जितनी भी वेबसाइट्स को आप विजिट्स करेंगे उन सब में आपका जो आईडी लॉगिन होगा वो ये वाला होगा, फराज अहमद खासकली 2008@gmail.com। और बार बार आपको पासवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जितनी बार अथॉराइजेशन का ऑप्शन आएगा किसी भी वेबसाइट पर तो आपका इसी आईडी से आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। लाइक अब इस पर एक वेबसाइट खोलते हैं google.com। ओके, तो अब बताएं गूगल क्या है, किसी को पता है, गूगल कंपनी है। google.com क्या है, वेब ब्राउज़र नहीं है, क्रोम वेब ब्राउज़र है। google.com एक वेबसाइट है, क्या है, और ये किस तरह की वेबसाइट है, इस तरह की वेबसाइट को हम कहते हैं सर्च इंजन। क्या कहते हैं, गूगल एक सर्च इंजन है, वेबसाइट तो है लेकिन वेबसाइट के साथ साथ ये एक अदद सर्च इंजन भी है। समझ में आ रही है बात मेरी, सर्च इंजन और एक आम वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है। अब एक और वेबसाइट इसके बराबर में एक नया टैब लेते हैं, न्यू टैब लिया, पुराना वाला यहाँ खुला हुआ है, एक और बराबर में ले लिया और उस पर क्लिक करके एक और वेबसाइट खोलते हैं www.vu.edu.pk। अब ये जो वेबसाइट मैंने खोली ये एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट किसी भी स्पेसिफिक इदारे की हो सकती है, यूनिवर्सिटी की, स्कूल की, कॉलेज की, ऑफिस की, सर्विसेज की, गवर्नमेंट की। सर्च इंजन इस तरह की वेबसाइट नहीं होती, ये इस तरह की वेबसाइट होती है जो कि एक वेब डायरेक्टरी है, जिसमें मिसाल के तौर पे आपको दुनिया में जितनी वेबसाइट्स बन रही हैं, नए नए लोग इंटर हो रहे हैं, उनका डेटा मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही होगी, पर गूगल पर आपको दुनिया में जितनी वेबसाइट्स बन रही हैं, बन चुकी हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेट सपोज आप कहते हैं कि मुझे मेहरान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं पता, गूगल मुझे बता दो, तो यहाँ पे आप जाके लिखेंगे मेहरान यूनिवर्सिटी वेबसाइट, तो गूगल आपको वो वेबसाइट निकाल के दे देगा www.miu.edu.pk, जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली उस वेबसाइट में एंटर हो सकते हैं। लेट सपोज़ अगर आप कहते हैं कि सब मुझे जो है वो दुबई में एक लुलू मार्केट है उसकी वेबसाइट का नहीं पता, तो ये हम लिख देते हैं लुलू मार्केट दुबई। तो जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के लिए बाद ये हमें सजेशन दे रहा है और उसकी वेबसाइट हमारे सामने खोल देगा कि लुलू मार्केट दुबई की ये वेबसाइट है, जिस पे क्लिक करके आप उस वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं। तो इसका मतलब गूगल एक ऐसी वेबसाइट है जो हमें हेल्प करती है वो तमाम इन्फॉर्मेशन ट्रैक करने में, सर्च करने में, जो इंटरनेट पर वेबसाइट्स की सूरत में, फेसबुक पर पोस्ट की सूरत में, प्रोफाइल की सूरत में, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर मौजूद डेटा है उसको सर्च करने में। तो इस वजह से गूगल एक सर्च इंजन है, यानी कि वेबसाइट की एक और टाइप जिसको सर्च इंजन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई। एक और वेबसाइट है
जो कि एआई टूल के तौर पे यूज़ होती है, हम यहाँ पे ऐड करते हैं उसको भी लिखते हैं, जिसका नाम है चैट जीपीटी। और जैसे ही इसको खोलेंगे, ये गूगल से भी एडवांस वेबसाइट है, बल्कि हम ये कहेंगे ये एक रोबोट है। क्या है? रोबोट। रोबोट का क्या काम होता है, जिसको इंसान ने बनाया, एहसास नहीं होते लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होता है। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप खोलेंगे तो देखिए ये कह रहा है लॉगिन करने के लिए। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब आपसे दोबारा से आपका ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं पूछेगा, जो आपने अपने प्रोफाइल पे सेट किया हुआ है उसी आईडी पासवर्ड से डायरेक्टली लॉगिन भी हो गया। और आपसे कह रहा है ओके लेट्स स्टार्ट। अब इस वेबसाइट में और गूगल वेबसाइट में क्या फ़र्क है, जल्दी जल्दी हम बात को कंप्लीट करते हैं। तो गूगल आपको वही डेटा इंटरनेट से सर्च करके दिखाएगा जो गूगल के पास होगा, लेकिन क्रिएट नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पे गूगल को बोलें क्रिएट एन एसे ऑन ऑनलाइन एजुकेशन एडवांटेजेस, तो इसमें एडवांटेज जो इसके पास थे वो इसने बता दिए, लेकिन इसने ऐसे टाइप नहीं किया। गूगल ये नहीं कर सकता, गूगल सिर्फ आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा जो गूगल के पास मौजूद होगी। इसको मैंने कॉपी किया चैट जीपीटी को, कहा जाके क्रिएट एन एसे ऑन ऑनलाइन एजुकेशन एडवांटेजेस इन पाकिस्तान स्पेशली इन इजी इंग्लिश वर्ड्स फॉर 5 क्लास स्टूडेंट। और जैसे ही ये मैंने इसको लिखा, इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट माने कमांड। तो चैट जीपीटी को जैसे ही ये प्रॉम्प्ट दूंगा तो चैट जीपीटी इसको परफॉर्म करेगा और अभी मुझे बना के दे देगा। ओके दोबारा लिखते हैं, अब बना दिया। तो ये देखें इसने काफ़ी बड़ा सा एक ऐसे मुझे इंग्लिश में लिख के दे दिया, लर्निंग फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, एक्सेस इन क्वार्टरली। ठीक है, जब इसने बना दिया तो बहुत बड़ा लिख दिया। अब मैं इसको कह रहा हूँ मेक इट प्री साइज, मतलब इसको थोड़ा छोटा करो, इन 3 लाइन्स, 3 लाइन में बना दो। वो इसी को 3 लाइन में बना के दे देगा मुझे। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ सपोज टू बी, आखिरी चीज़ कि इसको मैंने ये जो बना के इसने मुझे दिया, कॉपी करता हूँ इसको मैं और यहाँ से जाके नोट पैड खोल लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ अपने मोबाइल में या कहीं भी। अब मैं इसमें कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इसकी गलती कर दी, इस पर मैंने इसकी गलती कर दी, इसमें मैंने इस पर क्लिक करके गलती कर दी, इसकी स्पेलिंग गलत कर दी, इसकी स्पेलिंग गलत कर दी, इसकी स्पेलिंग गलत कर दी। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये ऐसे आपने लिखा है, किसने लिखा है, आपने लिख लिया। अब आप को क्या पता सही लिखा है गलत लिखा है, सही है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी को जाके हम बोलेंगे चैट जीपीटी, पेस्ट करेंगे पूरा का पूरा ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ, इसका लिखा हुआ नहीं है, जो भी आपने लिखा था लिख दिया। उसके बाद आप नीचे आके लिखेंगे चेक द एसे एंड एक्सट्रैक्ट एरर्स एंड एक्सप्लेन, एक्सट्रैक्ट एरर एंड एक्सप्लेन देम अपार्ट। मैंने क्या कहा, इस एसे को चेक करो और इसमें से जो गलतियां हैं निकाल दो और उसको मुझे अलग से बता दो, किस में से जो आपने ऐसे लिखा है। जैसे क्लिक करके एंटर करेंगे ये आपका होमवर्क भी चेक कर लेगा। इसने रिवाइज कर दिया, जो जो गलतियां थी सारी निकाल दी इसके अंदर से और आपके एरर भी बता दिया आपको, आपने ये स्पेलिंग गलत लिखी थी ये सही है और इसको इस तरह लिखा जाएगा, ये गलत है और ये सही है, ये गलती आपने की है इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये गलती आपने की है इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये गलती आपने की है इसको ऐसे लिखा जाएगा। आई कुछ बात समझ में? और ये सारा का सारा एक्सेस आप अपने आईडी से कर रहे हैं।
अब जब आप इसको बंद करेंगे तो ये आपका अकाउंट इसके ऊपर क्रोम के ऊपर यहीं पर ही सेव रहेगा, और जब भी नेक्स्ट टाइम आप इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आप अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। और अगर इसको रिमूव करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से इसको क्लिक करके डिलीट कर देंगे, तो ये अकाउंट इस ब्राउज़र से डिलीट होगा पर आपका जीमेल पर मौजूद रहेगा।